सर क्या गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आप ही स्टार्ट करो। सो आई वाज मैं एक्चुअली कुछ नहीं है आप कहो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे 12th वीक 2। सो आज हम करेंगे बैक एंड बाइसेप्स। जो एक्सरसाइज ऐड करनी होगी मैं बता दूंगा, अदरवाइज तो सारी सेम फॉलो करनी है। एंड वाला भी सेम रूटीन है, प्लैंक्स, साइकिलिंग या साथ में स्किपिंग, ये फॉलो करना है। और उम्मीद करता हूँ आपने कल की वीडियो देखी होगी, अच्छी लगी होगी, लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा। और अगर कोई एक्सरसाइज अभी तक नहीं कर रहा है तो उसने स्टार्ट कर दी होगी। हम इसके माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ओ भाई चलो 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 बताइए। सो पहली एक्सरसाइज जो है लैट पुल डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रिप आप देख ही सकते हो। 15 रेपिटेशन करेंगे, 4 सेट्स। विजय सर घबराओ नहीं, आपके लिए 12। बैक मजबूत होनी बहुत जरूरी है। वेरी गुड, कम ऑन पुल इट। बढ़िया वाली मशीन है सर। कौन सी वाली सर? ये मशीन अच्छी है। चिपक जाते हैं हाथ में, रबड़ चिपक जाती है हाथ में, जरूरत नहीं पड़ती। इसको इसको कहते हैं लैट पुल डाउन। हाँ जी, मुझे पता क्या बात है। एक्सरसाइज चल रही है, एक सुनते हैं वीडियो। सर वीडियो हाँ सुबह सुबह मठा पीना चाहिए। इसमें मठा है, मठा क्या बोलते हैं, मठे हो गया वो छाछ, छाछ बोलते हैं मठा, छाछ छाछ छाछ। सुबह सुबह छाछ पियो, और जो पीता है रोज छाछ उस पर नहीं आती कोई भी आँच। सो पियो, इसमें है छाछ। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि पब्लिक की नहीं, मेरा पर्सनल था। हाँ जी, ये आप अर्ज किया, आप गाते हो तो बजती हैं तालियां, आप गाते हो तो बजती हैं तालियां, हमारे गाने में क्यों पड़ती है तालियां? इसका जवाब तो आप लोग भी दे सकते हो। श्री श्री रविशंकर के बाद नहीं है। गाइस इसका जवाब आपने देना है। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब आप भी उस पाप के हकदार होंगे जो किसी ने नहीं किया। सो सेकंड एक्सरसाइज बेंड ओवर लगा रहा हूं, कितने रैप कितने हैं? हां 15। सेकंड एक्सरसाइज वन आर्म डंबल रोइंग, नहीं तो मैंने आपको बताया था बेंड ओवर रोइंग भी कर सकते हो या सीटेड रोइंग भी कर सकते हो। तो हम आज कर रहे हैं वन आर्म डंबल रोइंग क्योंकि हमारा मन कर रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विजय सर की ट्राइसेप देखिए जरा। मेरी बात, आई एम नॉट अ सर, मैं सर से बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट है, मुझे सर बोलते हैं। आई एम जस्ट अ टीनेजर प्रोसेसर ऑफ मैप बिट्स। आपने क्या खाया डिनर में? कुछ नहीं खाया था। शाम के 7:30-7:30 बजे कॉफी पी, और साथ में 2 बॉइल्ड पोटैटोस सॉल्ट लगा बस। फिर जब थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने रेसिन्स खा लिया और 2 डेट्स। अगर आप जिम रेगुलर जा रहे हो तो नित्य एक क्रिया करनी जरूरी है, अपनी खुद की मिरर सेल्फी लेने के लिए। वेरी गुड, पुल इट पुल इट पुल इट पुल इट। ये बड़ी गाइस, कम ऑन, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, कितने बचे हैं? लास्ट 2 वन। तो अगर आप किसी के साथ एक्सरसाइज लगा रहे, कोई आपका पार्टनर है जिम पार्टनर, तो उसको ऐसे मोटिवेट जरूर करें ताकि वो अपने रेपिटेशन पूरे कर सके। चलो 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 चलो, तेरे से नहीं होगा, चल। चलो 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 चलो, मेरे को पता नहीं होगा, कोशिश करूंगा। क्या बात है, बहुत गलत। Oh.
इसको सर के पीछे लेके जाना है जानते हैं ऐसे मारना होता है अगर आप उसको आगे आगे रखेंगे तो आपकी चेस्ट बनेगी ना कि बैक आपने अगर चेस्ट बैक बना ली तो आप उसको ऐसे पीछे मारना ऐसे करने की बिल्कुल सही कर रहे हैं ऐसे जो जो लोग कहते हैं ना नहीं ऐसे ही बताओ सुन लो सीख लो ये बहुत पुरानी एंशियंट है एंशियंट है हमारे पूर्वज करते थे अब कोई नहीं करता आसान बना लिया लोगों ने आगे आगे क्या होता है इसको पीछे करने से बैक पे जाएगा टाइम बहुत महंगी थी एक्सरसाइज सो अभी केबल स्ट्रेट पुल डाउन करके हटे हैं अब उसके बाद कर रहे हैं डेडलिफ्ट सो ये ऑप्शन दिखाने के लिए कि डेडलिफ्ट आप डंबल से भी कर सकते हो तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं हमारे मॉडल सेम डंबल के साथ अगर आप डेडलिफ्ट करना चाहते हो तो ऐसे अब इसका बेनिफिट क्या होता है ये इजी टू रैक है आप पहले रॉड लोगे प्लेटे लोगे फिर डालोगे निकालोगे डंबल उठाओ एक्सरसाइज लगाओ रैक कर दो ठीक है इसका बेनिफिट बस यही है मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से तुम्हें डंबल से डेडलिफ्ट करनी पड़ेगी लोअर बैक की हालत बता कर तो देखो ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल देख रहे हो आप सर निकाल लिए दोनों टांगों के बीच में से सर ये कहाँ से सीख के आते हो ऐसी ऐसी चीज़ें आप सर फॉलो करते हैं निशा योगनी को बहुत बढ़िया सर कम ऑन बैक को टाइट नेक थोड़ी सी डाउन किया करो इतनी जल्दी सर के जो बैंड है सर का स्ट्रीट जैमर उसमें एक आर्टिस्ट होता था आकाश सर उसके लिए शेर आए धरती का आकाश से मिलन होगा धरती का आकाश से मिलन होगा आकाश तेरा कब कुछ को हुआ ये था घटिया शेर लास्ट डेडलिफ्ट का अपनी वीडियो डाल रहा हूँ उसमें ताकि आपको यह ना लगे इंसान खुद तो कर लिया दूसरों को कर लिया तो मैं इसके 20 रेपिटेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वेट बढ़ाया नहीं सारा जिम खाली सारा जिम छड़ के बस सारा जिम खाली सारा जिम खाली 100 रुपए की मिलती है थाली शर्मा को जना ले ये देखिए सारा एक्सरसाइज लगाते हुए और हम भाव खाते हुए सारा जिम खाली 100 रुपए की मिलती है शर्मा को जना ले बाहर सिक्योरिटी गार्ड के पास है तो जना ले पहले कौन थे आकाश जी आ गए हमारे दोस्त हेलो गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल वी बैक की जो लास्ट एक्सरसाइज है श्रग्स इसके बाद बस चिन्ह ट्राई करेंगे वो भी मैं करूंगा विजय सर तो नहीं करने वाले आराम से करो सर ये मैं नहीं क्यों कर रहे हो आप कितने किए आपने 10 पे होगी बस देखिए ये मेरे को कह रहे 10 पे बस आपकी इस बात पे शेर अर्ज किया है जिम अभी खाली है एंट्री का कोई पैसा नहीं है तुम मारो 80 किलो मैं तेरे जैसा नहीं है वाह क्या बात है ये देखिए आगे से भी देखिए पीछे से भी देखिए बंधन हो गए इसके बाद बाइसेप मारनी है चिन-अप्स मारने के बाद कितना मारोगे सर किसमें छोड़ दो मर जाएगा कोई बात नहीं सर ये मार धाड़ की बातें मेरे को नहीं अच्छी लगती दिल घबराता है मेरा मारने मुड़ने की बातें ना करो बोलो एक्सरसाइज लगाओ ऐसे बोलो एक्सरसाइज लगाओ आप लोग जिसको नहीं मारना थोड़ा स्लो बैक की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है स्ट्रक्स के बाद चिन-अप्स भी लगा लिए थे अब बाइसेप स्टार्ट करेंगे बाइसेप में सेम एक्सरसाइज है
उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अंदर हम इंक्लाइन डंबल कर फिर करेंगे प्रीचर कर्ल, आप चाहे रॉड से कर सकते हो या फिर सिंगल आर्म डंबल से जैसे हम करते हैं, इंक्लाइन बेंच को थोड़ा और अप करके। फिर उसके बाद हैमर कर, फिर अपनी साइकिलिंग 5 मिनट, स्किपिंग 500 ब्लैंक्स, फिर छुट्टी, स्ट्रेचिंग करो, प्रोटीन पियो, बस 500 ब्लैंक्स मतलब 500 स्किपिंग सर, उसके बाद फिर ब्लैंक्स, 500 ब्लैंक्स नहीं। सर ने अभी एक बात बोली, बोले जहाँ चाह होती है ना लोग एक्सरसाइज लगा लेते हैं। मैंने कहा हाँ जी, जहाँ चाह होती है वहाँ मट्टी भी होनी चाहिए। और एक और मैंने भी हाँ, मैं भी अर्ज करना हाँ, चाहता हूँ। मैंने सुबह सुबह नारियल काटा, हाँ नारियल से निकला पानी, सर ने ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करा दी कि याद आ गई नानी। चलो इसी बहाने नानी याद आई। सो एक्सरसाइज बैक एंड बाइसेप्स की एक्सरसाइज पूरी हो गई थी, एंड में जो हमने कार्डियो और एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज करी मतलब प्लैंक्स करे, उसके बाद स्ट्रेचिंग करके फिनिश एक्सरसाइज, अपने प्रोटीन पीजिए, रिकवर कीजिए, घर जाके अच्छी डाइट लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें देखें और अपने रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कल मिलते हैं, जय हिंद एंड हर हर महादेव।